आगे ना, जब आदमी मरने जा रहा होता है तो जल्दी जल्दी ये प्लॉट बांट लो, घर बांट लो, और सब बांट लो, सांसे बांट लो, विरासत के हिस्से बांट लो, ये जरूरी है। आज से कुछ टाइम पहले वालदैन अपने बच्चों को कहते थे कि हमें अल्लाह वाला नहीं मिला, मगर अगर जिंदगी में तुम्हें मिले तो अपने वालदैन की मख्शिश और बगफरत की दुआ इनसे जाके करवा लेना। आज वल्लाहु आलम हमारे माँ बाप की दुआ है, हमारा अपना कोई नेक अमल है कि एक ऐसे अल्लाह वाले का दीदार करवाया। अभी तो दीदार ही करवाया। और याद रखिएगा कि दीदार का जो मुकाम और मर्तबा है इस्लाम में बहुत बुलंद है, और इतना बुलंद है कि मुसलमान को सहाबी बना देते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल का दीदार हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो एक मुसलमान, जरूरी नहीं कि मोमिन हो, जरूरी नहीं पांच वक्त नमाजी हो, जरूरी नहीं हाजी हो, रोजेदार हो, अल्लाह के रसूल जिसको दीदार करवाना चाहते हैं करवा देते। तो बात यह है कि एक मुसलमान का दीदार अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, उसको सहाबी में मुंतकिल हो जाता है उसका मर्तबा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जात खूब है कि क्यामत तक जो उनका दीदार करेगा वो मरने वाले दिन सहाबा की सफों में उठाया जाएगा, वो सहाबा की सफों में उठाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने